ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी ने डिग्री की योग्यता के आधार पर एक ही मंत्री को नौकरी दी थी, मुजफ्फरनगर वाले डॉक्टर संजीव बालियान। वह जानवरों के बड़े नामी डॉक्टर, गायों भैंसों घोड़ों ऊंट बकरी के इलाज में उनकी अपार योग्यताओं को देखते हुए उन्हें भारत का पशुपालन राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन अब वह इंसानों का इलाज करने के लिए तड़प रहे हैं। आपको लगता होगा कि बकरी बिल्ली का डॉक्टर आदमी का इलाज कैसे कर सकता है, लेकिन कुर्सी चीज ही ऐसी है और मंत्री हो जाने के बाद तो आदमी वैसे भी महत्वाकांक्षी हो जाता है। लेकिन घोड़े का डॉक्टर आदमी का इलाज करेगा कैसे? तो पशु चिकित्सालय वाले को सिविल अस्पताल में बैठने के लिए रिजर्वेशन चाहिए। सोचिए कितने प्रेमी आदमी है बीजेपी वाले डॉक्टर साहब, और उदारता तो पूछिए मत, देश प्रेम से लबालब। घोड़े का ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा जो खुलेआम ऑफर दे रहा हो कि भाई हमको अस्पताल में बैठा दो बस। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। सोचिए कितनी प्यारी सोच है घोड़े वाले डॉक्टर साहब। भारत के पशुपालन मंत्री जब देश के दो सबसे शानदार विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं का इलाज करने के लिए रिजर्वेशन मांग रहे थे तो बगल में बैठे रक्षा मंत्री मुस्कुरा रहे थे। महात्मा गांधी ने भी 1947 में यह कहा था कि पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, उन्हें नागरिकता दी जानी। काश रक्षा मंत्री छात्रों को सबक सिखाने की धमकी देने पर खड़े हो जाते, बोल पड़ते कि छात्रों को गद्दार बताकर गणतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। संविधान का ये शपथ ले करके मंत्री होते हुए केंद्र में इस तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए कि जानते हैं कि इस तरह की बात करने से जो हमारे आका हैं वो खुश होंगे, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। छात्रों को खुलेआम उनका इलाज करने की धमकी देने के लिए कलेजा होना चाहिए। वैसे संजीव बालियान ने जानवरों की डॉक्टरी चौधरी चरण सिंह पशु विश्वविद्यालय से की है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की ही जीवनी पढ़ ली होती तो गाय घोड़े की पढ़ाई करके वह इंसानों के इलाज के लिए ऐसे न तड़प रहे होते।